नहीं, लगभग लगभग 12 पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे, और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं, और लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और सबकी इलाज चल रही है, और कुछ कैजुअल्टी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे, और सभी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं, और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर, और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। अभी तो एम्बुलेंस आ रही हैं, 10 एम्बुलेंस मौके पर है, डीएम साहब भी वहाँ मौके पर है, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। 10 मरीज़ यहाँ से मेडिकल कॉलेज गए हैं, जिसमें 6 को एडमिट कर लिया गया मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ, और 4 मृत वहाँ घोषित किए गए, और जिला चिकित्सालय में 3 लोग आए, 2 को भर्ती किया गया, 1 मृत लाया गया, और लगभग जो हम लोग की जानकारी आ रही 40 लोग बस में होंगे अभी वहाँ से आए पेशेंट, तो करेक्ट फिगर अभी बता नहीं पाएंगे। करेक्ट अभी कोई जानकारी नहीं है। श्रीराम हॉस्पिटल में भी हमारी इमरजेंसी अलर्ट पर है, जहाँ भी पे एम्बुलेंसेज वहाँ मौके पर मौजूद है। ठीक है, शाम को लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी, यहाँ पे बस्ती से एक बस लखनऊ की तरफ जा रही थी, उस समय यहाँ पे हाईवे पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर जो ट्रक मोड़ते समय दोनों बीच में हादसा हो गया था, उसके वजह से बस का पूरा पलट गया था और ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलती, पुलिस मौके पर आई थी, मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। अभी लगभग यात्री 40 लोग था, उस पर 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल है, सबका हॉस्पिटल पहुँचा हुआ है, वहाँ पर CMO साहब हॉस्पिटल में करवा रहा है, हमारा पुलिस टीम मौके पर है, सब चीज़ हम लोग वेरीफाई करें, सबका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मौके पर सभी यात्री सब कुछ निकाल दिया, हम लोगों ने ट्रक को बस से सबको चेक कर लिया, वहाँ कोई आदमी नहीं है, बाकी डिटेल्स बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगा। उसके बारे में अभी हॉस्पिटल से वहाँ पर हम सबको भेज दिया हूँ, अभी डॉक्टर साहब से वेरीफाई करने के बाद पता सकता है, अभी हम लोग मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं सब चीज़ें। ये तो ये दोनों यहाँ पे बस सामने आ रहा है और उसके बाद ट्रक मोड़ रहा है, उसके बीच में उनकी घटना हुआ, बाकी चीज़ हम आप ही बाकी लोग से बात करने से पता चलेगी।